नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। अपने समाधान यात्रा के क्रम में आज नीतीश कुमार पहले भागलपुर और उसके बाद जमुई पहुंचे। जमुई करीब करीब वो 2 बजे के आसपास पहुंचे और वहां से सीधे वो जो KKM कॉलेज में हेलीपैड बना था, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सीधा इंदपे गांव पहुंचे और इंदपे गांव में जो अमृत सरोवर है वहां उन्होंने उसका निरीक्षण किया और वहां पर और भी कई स्टॉल लगे हुए थे, वहां उन सबका उन्होंने निरीक्षण किया, जीविका समूह का निरीक्षण किया और उसके बाद वो मरकट्टा गांव पहुंचे। मरकट्टा गांव में स्कूल का निरीक्षण किया जहाँ पर स्मार्ट क्लास वगैरह का शुरुआत होना है, उसको उन्होंने देखा और वहाँ से सीधे वो जमुई पहुँचे। जमुई में वो समाहरणालय पहुँचे थे, समाहरणालय के संवाद कक्ष में उन्होंने समीक्षा की है, जो कार्यों की, विकास कार्यों की समीक्षा की है अधिकारियों के साथ और आज लगभग 15-20 मिनट तक ये समीक्षा चली है और उसके बाद वो बाहर आकर पत्रकारों से बात उन्होंने किया। क्या कुछ कह रहे हैं CM नीतीश कुमार, आप भी सुन लीजिए। हमारा मकसद यही है कि जिलों में जा कर के हम स्थिति को देखें, काम अच्छा हो रहा है, क्या काम की और ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है और लोगों की बात को भी सुनते हैं, वो भी स्थानीय स्तर पर या किसी भी स्तर से उनकी कोई समस्या भी जानते हैं और यहाँ पर विस्तृत रूप से समीक्षा भी करते हैं। तो सब सारी बात को, सारी बातों को जानने के बाद तय किया जाता है कि आगे क्या करना है कितनी तेज़ी से, और सारे अधिकारियों को इस बात का निर्देश मिलता है, सब लोग करेंगे और हम ये पूरा का पूरा आप समझिए 16 तारीख तक कर लेंगे। इसके बाद सब लोगों को घुमा घुमा करके बैठ करके फिर एक एक जगह की पूरी समस्याओं का देखेंगे और हम लोग तो जितना काम कर रहे हैं उसको तो करना ही, इसके अलावे और कुछ करना होगा तो उसके लिए हम लोग करेंगे। बेहतर दिखाई पड़ रही थी, गोवर्धन योजना हो या स्मार्ट क्लासेस हो, बाकी सब चीज़, लेकिन यहाँ के लिए तो थोड़ा समस्या है ना, यहाँ थोड़ा सा सिंचाई का पेयजल का थोड़ा है, तो आज हम पूरा डिटेल बातचीत किए तो यहाँ भी कैसे इसको समाधान किया जाए, आज इसके लिए 4 विभाग के लोगों को हमने और बात करके दिल्ली में भैया पटना में भी रहते हैं उन सब लोगों से बात करके भी कहा है, आ करके 16 के बाद एक एक चीज़ देखेंगे और उसके बाद जो राय देंगे तो उसी के आधार पर जो चीज़ किया। सर, जामियत उलीमा के चीफ महमूद मदनी ने कहा है कि जितना भारत मोदी का है और भागवत का है उतना ही भारत मेरा भी है, क्या 24 को लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसी बयानबाजी हो रही है कि जाति धर्म? जानकारी नहीं, हम तो इधर घूम रहे हैं ना, आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये पता कर लेंगे कौन क्या बोल रहा था, जानेंगे। आज ही बयान आया है जाति धर्म में बांटने की कोशिश हो रही है सर, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है वगैरह का क्या करना, हम लोग तो सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, आप बिहार में तो जान ही न रहे हैं कितना हम लोगों ने सबके हित में काम किया और आज भी करते हैं, तो अब कौन क्या बोलता है आप पूछ रहे, हम देखिए नहीं है। सर, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है क्या सर? कांग्रेस 2 सीटें मांग रही है, क्या कैबिनेट का विस्तार हो रहा है क्या सर? कैबिनेट का विस्तार नहीं, आप डिप्टी CM से पूछ लीजिए ना, ये बात हो गई है ना, जो जब सब एक नए तरह का अलायंस होकर के हो गया है तो किस साइड का कितना होगा वो तय और लोग बात कर लेंगे, हम तो वेट ही कर रहे हैं कि तो जो भी करेंगे तय वही होगा। लालू जी आज हमसे मिले थे तो वो तो आ ही रहे, वो तो दिल्ली में आ रहे हैं, वो तो दिल्ली आ रहे हैं, अभी जब पटना आएंगे तो पटना आएंगे, लेकिन अभी दिल्ली आ रहे हैं, वहाँ से लौट के अब स्वस्थ हो गए, सब तरह का है ये मालूम, तो आ रहे हैं तो वो ठीक ही बात है, लेकिन अभी जो है बाकी जितना बात होगा ना तो ये लोग डिफरेंट जो पार्टियाँ हैं आप उन लोगों में से जो भी है, तो अभी तो रहने के लिए खाली कांग्रेस को है, तो कांग्रेस और उनको दोनों को बैठ करके तय कर लेना पड़ेगा, अब करके जो बता देंगे उपेंद्र कुशवाहा और हमसे भी कांग्रेस के लोग, हमने कहा था कि नहीं आप उनसे बात कर लीजिए। तो सुना आपने, ये थे बिहार के CM नीतीश कुमार, बता रहे थे विकास कार्यों की जो समाधान यात्रा पर ये निकले हैं उसको अभी ये देख रहे हैं, 16 तारीख को जब ये यात्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद उस पूरी यात्रा का ये समीक्षा करेंगे और उसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उसे पूरा किया जाएगा, उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया सवाल के जवाब में कि कैबिनेट के विस्तार के बारे में पूछा गया था उनसे सवाल, उन्होंने कहा कि ये उप मुख्यमंत्री इसके बारे में बेहतर बताएंगे, जो सारी बातें हैं वो तय हो चुकी है, जितने भी दल गठबंधन में हैं उनसे सहमति बन चुकी है और इसके बारे में तेजस्वी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ,
देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।